तो लगता है पानी में कुछ दिखाई दिया है। अभी जाके वहाँ पे एक बार देखेंगे पानी में क्या मिला है। लगता तो है इन लोग तो बोल रहा है कुछ ऑक्टोपस टाइप का कुछ दिखाई दिया है। तो यूजुअली मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ अपना घर में, लेकिन आज ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ एक समुंदर किनारे बैठ के ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी शाम का टाइम हो चुका है और सनसेट ऑलरेडी हो गया है। एक्चुअली हम लोगों का टाइम गलत है क्योंकि मैं भी काम ख़त्म करके आया, सारा मेरा भाई लोग भी काम ख़त्म करके आया, तो उसके बाद हम लोग निकल लें, तो ऑलमोस्ट हम लोग का आज लेट हो गया। लेकिन एक दिन फुर्सत में आएंगे हम लोग, सुबह सुबह आके इस जगह का वीडियो बनाएंगे। बेसिकली इस जगह का नाम है काला पत्थर। तो काला पत्थर क्यों नाम है अभी तो देखो डिस्क्राइब करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी वहाँ तक जाएंगे हम लोग, वो जगह में जाएंगे, जाके वीडियो बनाएंगे आगे जाके। एंड इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में एक दिन आके सुबह आके हम लोग कोशिश करेंगे इसका डिस्क्रिप्शन किस लिए इसका नाम काला पत्थर है। एंड इसका आगे और एक जगह है जिसका नाम है सीक्रेट बीच, वहाँ तक भी जाएंगे एंड उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल टोंग बाइसेप्स। देखो जाने से एक्चुअली जो रास्ता है पीछे से जाके वहाँ से घूम के आना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इंडियन लोग हैं, देसी जुगाड़ हम लोग का, यहाँ से एकदम गैप से चले जाओ डायरेक्ट बीच पे। देखा कैसे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कुछ नहीं, उतना दूर जाना फिर बाइक को पार्क करना फिर आना, उससे अच्छा देसी जुगा एकदम डायरेक्ट गैप है, गैप से घुस जाओ। सो बेसिकली अभी तक मैं इसका ठीक से सेटिंग ही नहीं जान पाया, अभी भी मेरे को एक्सपोजर कम करके बड़ा के मतलब एडजस्ट करके मेरे को काम चलाना पड़ रहा है। तो इसका कुछ कुछ चीज़ अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है एक साल के बाद कि ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि मेरे को तभी वो टाइम में उतना भी DSLR के बारे में मालूम नहीं था जब मैं ख़रीदा था। अभी धीरे धीरे जितना मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तब मेरे को धीरे धीरे करके मालूम पड़ रहा है कि इसका इतना कुछ सेटिंग हो सकता है और इसका इतना कुछ सेटिंग काम ही नहीं करता। ये देखो इसको कहते हैं सुकून घर, रात को दिन को आपका मन ख़राब है आ जाओ आके चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, जब यहाँ पे हाई टाइड रहेगा बैठ के जो व्यू मिलेगा जो हवा मिलेगा उसके साथ पानी का जो एक अलग मतलब फील मिलेगा ना, वो फील मतलब दूसरा कहीं पे नहीं मिलने वाला। एक्चुअली ये साइड से पूरा चल के जाना होता है, एकदम मेन पॉइंट में जाके आपको मिलता है सीक्रेट बीच। एक्चुअली सीक्रेट बीच इसीलिए क्योंकि सीक्रेट का मतलब होता है खुफिया। अभी यहाँ पे सभी गेस्ट आते हैं, वहाँ पे उतना गेस्ट भी नहीं जाता और यहाँ का लोकल लोग ही पहले उसको ढूंढ के निकाला था, तो इसलिए मतलब नॉर्मली उसको नाम दिया था सीक्रेट बीच। अभी वही बन गया है टूरिस्ट स्पॉट, कोई गेस्ट जाना चाहता है तो ट्रेक करके जा सकते हैं। करीबन एक घंटा लगता है कुछ जाने के लिए, पर वो भी धूप रहेगा मॉर्निंग के टाइम, मतलब जब सनसेट से पहले पहले एटलीस्ट 2-3 घंटा पहले जाने से ही सही रहेगा। क्या बोलते हो, सनसेट 2-3 घंटा पहले जाने से ही सही रहेगा, तभी अंदर जाके हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर का, नहीं तो बेकार के जाके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा अंधेरा हो जाएगा ना, मैं ब्लॉग बना पाऊँगा ना आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँगा ना कुछ हो पाएगा। एंड उस दिन जो गया था मैं नील्स कोम में, बेसिकली आप नहा सकते हो पानी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जितना भी आपको पत्थर दिखाई दे रहा है सब ये एक्चुअली कोरल रीफ है, इसके अंदर अंदर सब कोरल रीफ है, यहाँ पे स्कूबा डाइविंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, पत्थर में आपका लग जाएगा और कोरल में एक बार कट गया तो वो सूखने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो आपका यहाँ पे उतना खास ट्रीटमेंट भी आपको नहीं मिलेगा। सो इसलिए यहाँ पे नहाना है मतलब नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली पानी में जाना उतना अच्छा नहीं है, यहाँ के लिए सेफ़ नहीं है। इस कैमरा में कितना आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कलर पूरा ब्लू, उसके ऊपर ये सैंड देखो पूरा वाइट एंड ब्लू, मतलब जस्ट मतलब पूरा ऑसम एकदम फीलिंग। जब लाइव देखोगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी तो अंधेरा हो गया उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब लाइट रहता तो इसका मज़ा ही अलग है। देखो कॉम्बिनेशन देखो, ये वाला देखो ब्लू वाटर
यहाँ पे देखो वाइट सैंड एंड ग्रीन फॉरेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ये खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ वन एंड ओनली अंडमान में मिलने वाला है। आज एडिट करने के बाद मालूम पड़ेगा कि इसका पिक्चर क्वालिटी अभी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। सो मतलब इतना दिन से जो वीडियो बन रहा था उसमें एक्सपोजर मेरा बहुत ज़्यादा था, तो उसमें क्या होता सफ़ेद होके रहता था। अभी थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी मतलब पीछे मेरा पेड़ का कलर वगैरह ये सब कुछ पूरा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। सो शायद से आज का वीडियो थोड़ा सा अलग लगेगा। सो लगता है पानी में कुछ दिखाई दिया है, अभी जाके वहाँ पे एक बार देखेंगे पानी में क्या मिला है। लगता तो है इन लोग तो बोल रहा है कुछ ऑक्टोपस टाइप का कुछ दिखाई दिया है, देखते हैं जाके क्या दिखाई देता है। चलो एक कंटेंट तो मिल गया एटलीस्ट। क्या है, पत्ती है? देखा, ऑक्टोपस नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पत्ती है। देखो नीचे क्या है, पूरा क्लियर एकदम दिखाई देता है। तो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी हो सकता है यहाँ पे। अभी हाई टाइड का टाइम हो चुका है, अभी धीरे धीरे करके पानी भर रहा है, तो हम लोगों को ऊपर के साइड रहना ही सेफ रहेगा। और अंधेरा भी हो रहा है, तो अंधेरा होने के बाद यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंधेरा जब हो जाएगा यहाँ पे पूरा डार्क अंधेरा होता है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जीरो आपका ये रहेगा, पूरा एकदम विजिबिलिटी रहेगा। सो उससे अच्छा अंधेरा होने से पहले निकल जाओ अपना अपना घर में, अपना अपना होटल में, अपना अपना रिसोर्ट पे। तो ये फ्रेम पॉइंट भी बहुत अच्छा है, मतलब आप काला पत्थर आओगे आपको ब्लॉग बनाने में, आपको फ्रेम ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हर जगह में फ्रेम है, बल्कि यहाँ पे पत्थर में फ्रेम है। आप पेड़ ढूंढोगे तो पीछे एक पेड़ आपको दिखाई देता है वहाँ पे, उसको ऑलरेडी उसका नाम ही है कि कुछ फ्रेम ट्री उसको कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पे फ्रेम ही फ्रेम है। आप आओगे यहाँ पे ब्लॉग बनाने का, कंटेंट ढूंढने का आपको टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये सब एक्चुअली डेड कोरल्स है, ऐसा ही पानी के अंदर रहेगा और जीवित रहेगा वही कोरल्स होगा, जब मर जाएगा तो ऐसा पत्थर की तरह बन जाएगा, और यही कोरल्स का पत्थर है, डेड कोरल्स है एक्चुअली। फिर से आ गया हम लोग का जुगाड़ वाला रास्ता, मतलब उतना दूर चल के कौन जाएगा, यहाँ से ही चले जाओ। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन शॉर्टकट है। देखो आज उतना अच्छा मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, लेकिन कैमरा का कुछ कुछ सेटिंग में आज सीख गया कि जब ज़्यादा लाइट लगेगा तो उतना कम एक्सपोजर, जब जितना कम लाइट रहेगा उतना ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए कैमरा में। सो ये चीज़ मैंने सीख लिया, और ये चीज़ आप लोगों को भी बता दिया, ताकि कोई कोई नया नया ब्लॉग कर रहे हो उन लोगों को पता नहीं है। सो सीख लो, सीख जाओगे एंड आगे आप लोगों के लिए भी काम आएगा, मेरे लिए भी बहुत काम आएगा। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ, अगर अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।